स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ब्लूमिंग नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में हम UPSC प्रीलिम 1990 के कुछ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पहले क्वेश्चन है, हु एवं द फॉलोइंग वॉज ए रिवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इन टू ए योगी एंड फिलोसोफर। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि बाद में योगी और फिलोसोफर हो गए थे। ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत रॉय, अगरकर। इसका आंसर होगा बी, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए नो चेंजर। इनमें से ऐसे कौन है जो इंडिया नेशनल कांग्रेस के नो चेंजर लीडर में से हैं। ऑप्शंस है डॉक्टर M.A. अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इज ऑब्जर्व इन। इनमें से कौन से उपकरण में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता हुआ ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए फैन, हीटर, बॉल, स्टोरेज बैटरी। आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज वेवलेंथ। इनमें यहाँ पे हमें कुछ कलर के स्पेक्ट्रम दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट सीक्वेंस है जो कि इनके वेवलेंथ के इंक्रीज के अनुसार लिखा गया है। ऑप्शन ए रेड, येलो, ब्लू, वायलेट। ऑप्शन बी वायलेट, येलो, ब्लू, रेड। ऑप्शन सी ब्लू, येलो, रेड, वायलेट। ऑप्शन डी वायलेट, ब्लू, येलो, रेड। इसका आंसर होगा वायलेट, ब्लू, येलो, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द INA वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट। इंडियन नेशनल आर्मी जो था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन ए रेंगून, बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द मेच्योरिटी ऑफ ए रिवर कोर्स इज रिकॉग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए भीसेप्ट वैली, बी मैंडर्स, सी जॉर्जेस, ऑप्शन डी हाई डेनुडियल पावर। आंसर होगा ऑप्शन ए भीसेप्ट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बृहस्पति का एक उपग्रह नहीं है। आयो, कास्टेलियो, यूरोपा और टाइटन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टाइटन, क्योंकि ये टाइटन सैटर्न का एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस फॉर द रोटेशन ऑफ स्टार्स कम मेनली फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ऑप्शन ए डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी ज़ीमान इफेक्ट, ऑप्शन डी स्टार्क इफेक्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ज़ीमान इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैल्डेरा इज ए फीचर एसोसिएटेड विथ। वोल्केनोस, अर्थक्वेक, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, फोल्डिंग ऑफ माउंटेन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वोल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पैराफिन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ। पैराफिन जो है वो इनमें से किसका एक बाय प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऑप्शन सी कॉटेज इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग बी कीपिंग, ऑप्शन डी लेदर इंडस्ट्री। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पीपल ऑफ हांगकांग हैव मोस्टली फ्रॉम। हांगकांग के जो लोग होते हैं वो मोस्टली कहाँ से होते हैं। ऑप्शन ए वियतनाम,
ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चाइना। If the difference in the time of two places is 2 hours and 20 minutes, then the difference in their longitude will be। यदि दो जगह के बीच टाइम के डिस्टेंस 2 hours and 20 minutes है तो उनकी लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सारे हैं 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, इनमें से कौन सा एक अर्थकारी फसल होता है। ऑप्शन ए ग्राउंड नट, व्हीट, राइस और ग्राम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राउंड नट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस साल में हुआ था। 1930, 1931 या 1932 या 1935। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हरप्पा डिड नॉट नो द यूज ऑफ, हरप्पा के जो लोग थे वो इनमें से कौन से मेटल के यूज को नहीं जानते थे। ब्रोंज, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। आंसर होगा ऑप्शन सी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर स्ट्रेट सेपारेट, सुंदर स्ट्रेट जो है वो किन किन कंट्री को सेपारेट करता है। ऑप्शन ए बुर्मा कैवल्स, ऑप्शन बी जावा सुमात्रा, ऑप्शन सी जापान कोरिया, ऑप्शन डी सिलिसी एंड इटाली। आंसर होगा ऑप्शन बी जावा एंड सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म जो डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी वॉर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेंपोररी बंगाल किंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा कोनौज, जब कोनौज में हर्षवर्धन राजा थे तब इनमें से कौन से ऐसे बंगाल किंग थे जो बंगाल के राजा थे। ऑप्शन ए भास्कर वर्मन, ऑप्शन बी दिवाकर मित्र, ऑप्शन सी देवगुप्त, ऑप्शन डी शशांक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहेर इज ऑप्टेन फ्रॉम, मोहेर जो है वो किससे ऑप्टेन किया जाता है। ऑप्शन ए अंगोरा गोट, ऑप्शन बी बीटल गोट, ऑप्शन सी काराकुल सीप, ऑप्शन डी लिंकन सीप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंगोरा गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। राजा गृह, पाटलिपुत्र, जलंधर या कश्मीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर इन सीट ऑफ ए वैकेंट इन ए मेंबर एब्सेंस हिमसेल्फ विदाउट द परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर एटलीस्ट। पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो कितने दिनों तक लीव में रहने की परमिशन देता है। ऑप्शंस है 30 days, 60 days, 90 days या फिर 120 days। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 90 days। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोजिला इज अ पास बिटवीन, हमारा जो जोजिला पास है वो किन किन जगह के बीच है। ऑप्शन ए कश्मीर वैली एंड लद्दाख, ऑप्शन बी लाहौल वैली एंड स्पीति, ऑप्शन सी चुंबी वैली एंड सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। और इसका सही जवाब होगा कश्मीर वैली एंड लद्दाख, ऑप्शन ए। द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और HIV वायरस इज अ लिविंग एंटिटी बिकॉज इट कैन एक्सक्रेज इन ह्यूमन सेरम, डिस्टर्ब होस्ट सेल रेस्पिरेशन, अंडरगो ऑटो रिप्रोडक्शन, मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और इसका सही जवाब होगा अंडरगो ऑटो रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज अशोका मेंशन बाय नेम, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोका नेम वाइज मेंशन
हुए हैं। ऑप्शन ए मेजर रॉक एडिक्ट एट गिरनर, ऑप्शन बी माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन एट मास्की, ऑप्शन सी भायराट इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी लामगांव इंस्क्रिप्शन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन एट मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिटिंग इन जूट इज, जूट का जो रिटिंग प्रोसीजर होता है वो किस तरह का प्रोसीजर होता है। ऑप्शन ए प्योरली फिजिकल, ऑप्शन बी प्योरली केमिकल, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजिकल, ऑप्शन डी फिजिको केमिकल। ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोरिजिया इज अ सिस्टमेटिक एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, एल्गी एंड रूट्स ऑफ ऑर्चिड्स, फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, प्रोटोजोआ एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। और इसका सही जवाब होगा फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। Which one of the following period were the rock cut Hindu temple architecturistic features of architecture? इनमें से कौन सी डायनेस्टी के टाइम रॉक कट हिंदू टेम्पल की आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलता है? सुंगस, सातवाहन, पल्लव, चोल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी पल्लव। एस्कर्स एंड ड्रुमलिंस आर फीचर्स इंस्ट्रक्शन फॉर्म बाय रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड स्वेचर, द एक्शन ऑफ विंड और ग्लासियल एक्शन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्लासियल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज निर्गुण रिफॉर्मर, इनमें से कौन ऐसे हैं जो निर्गुण के रिफॉर्मर हैं? चैतन्य, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। आंसर होगा ऑप्शन बी कबीर, क्योंकि वो निर्गुण राम के भक्त थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सिपोए एट कानपुर इन 1857। इनमें से ऐसे कौन है जो कानपुर में हुई 1857 के उस सिपाही म्यूटिनी को लीड किए थे? ऑप्शन ए तांत्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाना साहेब। हमें लगता है आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, सो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।